हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम, आप सभी को गुड मॉर्निंग। ये देख रहे हो ना किचन की हालत, सुबह के बज गए हैं 8। चलिए किचन साफ करते हैं। सब्जी वाले आए हैं, सब्जी तो कुछ लेनी नहीं है। साफ करते हैं, फिर उसके बाद में बाकी का काम करेंगे। और किचन की हालत आप देख सकते हैं। सब कुछ फैला हुआ है और ये ना रख देंगे मटका, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसमें पानी नहीं पीते। जब से बरसात वाला टाइम हो गया ना, तब से जो है पानी इसमें नहीं पी रहे। ये ऐसे ही रखा बेचारा है, तो इसको जो है हम रख देते हैं, क्योंकि ठंडा गर्म मौसम हो रहा ना, तो ऐसे भी खांसी जुकाम बुखार सब चलने लगा। तो इस वजह से जो है हमने नहीं जो है इसमें पानी रखा। तो बस अभी ये रोटी देख रहे हो ना, सुबह जल्दी में जल गई थी। तो बस सुबह ना आज हमने बनाई हुई थी टिफिन के लिए तुरई की सब्ज़ी, जो कि इतनी बची है मेरे लिए। और बस वही ये आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी। तो अभी ना चाय हमने पी ली है, तो अभी ना किचन साफ कर दें। पहले आपको ना दिखाते हैं पूरा किचन। ये इतना फैल जाता है डेली का होता है, हमें लगता है सबका फैल, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है ना, तो बस फैल ही जाता है। तो चलिए फटाफट से अपना काम करते हैं, फिर उसके बाद में काम तो बहुत सारा है अभी करने को। तो बस चलिए कि रोज़ का वही होता है, तो वही आपको दिखाते हैं। इतना ही काम होता है मेरे पास और ये भी काम बहुत होता है। तो सबसे पहले बर्तन खाली करेंगे और भिगोएंगे। ये रोटी हम गैया को दे देंगे, गाय गैया। तो अभी ना बर्तन हमारे जो वो धुल चुके हैं, हमने धुल लिए हैं। और फिर ना ये हमें ना यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ करना था ज़्यादा, क्योंकि जब खाना बनाना तेल की छींटे गिरती हैं, तो दो तीन दिन बाद जो है अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो बस वही साबुन वाबुन लगा कर हमने कहा चलो साफ़ कर देते हैं, क्योंकि एकदम चिकना चिकना रहता है तो सही भी नहीं लगता है। तो इसलिए जो है थोड़ी सी ज़्यादा हमने सफाई कर दी किचन की। तो चलिए फिर साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर किचन जो हमारा है बिल्कुल अच्छे से हमने साफ कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना चिकना चिकना सा लग रहा था, तो फिर हमने कहा चलो साफ कर देते हैं। तो चलिए फिर किचन हमारा साफ हो गया। अभी काम तो बहुत सारे हैं, तो अभी झाड़ू लगाना है, फिर उसके बाद में पोछा लगाएंगे, फिर होगा हमारा नहाना धोना, और डेली का यही होता है मेरा। यहाँ पर गैस रखते ना, यहाँ पर थोड़ा सा ना चिपचिपा था, तो वो हमने साफ किया, थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि जब खाना बनाना तो छींटे गिरते हैं। ये फिर और भी काम करते हैं। अभी ना दोपहर का टाइम है, दोपहर के मतलब दोपहर या फिर शाम कहेंगे, बजने वाले हैं 2:30 बज गए। ये क्या कार्टन लगी अभी ना, ये हमने ले लिया है, नेल पेंट छुड़ाने जा रहे हैं, यहीं पर छुड़ाएंगे बैठ कर। बादल हैं, हवा चल रही है, ठीक ठाक है मौसम, ज़्यादा सर्दी वाला मतलब गर्मी नहीं।
जाती ना बर्तन धुलो तो छूट जाती है, आधी छूट गई आधी बची। मेरी वाली नहीं अच्छी लगती। एक ना पहले हमने से लगाई हुई थी, ऊपर से फिर दोबारा लगा ली तो जल्दी छूटती भी नहीं, थोड़ी थोड़ी बची। अभी ना हमारे पास ये भी नहीं बचा, बस थोड़ा सा इसमें है। तो अभी ना हमने छुटा दी है, अब लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ना ये भुट्टा भून रहे हैं, और भुट्टा ना ऊपर से तो देखने में बहुत अच्छा था लेकिन इसमें बीज तो थे ही नहीं, पर ये ना खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा था, बीज कम ही थे। तो यहाँ पर ये हमने भुट्टा भून लिया, नींबू ले लिया और जो है थोड़ी सी चटनी ले ली है। तो चलिए फिर भुट्टा खाते हैं। और यहाँ पर ना आपको दिखाते हैं, इसमें ना छिलका बहुत सारे निकले और ऊपर से बहुत अच्छा था लेकिन अंदर जब खोला तो इस तरीके से निकला हुआ था। तो यहाँ पर बनाने जा रहे थे चाय, और दूध में ना हमारे मलाई थी तो हमने कहा चलो मलाई भी निकाल लेते हैं। और मलाई हमारी ना ढेर सारी रखी भी हुई है तो उसमें से ना हमें मक्खन निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने ताज़ी मलाई ले ली खाने के लिए, उसके साथ में खाएंगे ना, पाव थे ना उसके साथ में खाएंगे। और ये हमारी मलाई काफ़ी टाइम से रखी हुई थी तो हमने कहा चलो फिर आज इसको जो है बना ही लेते हैं। और यहाँ पर ना मतलब अभी फ्रिज से निकाला हुआ है ना, थोड़ा सा रख देंगे फिर उसके बाद में इसको फेंट देंगे ना तो फिर अच्छे से इसमें से मक्खन निकल आएगा। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में जो है बनाने जा रहे थे चाय, तो हमारे पास ना मतलब पाव रखे हुए थे 2-3 दिन से, तो ये 2 बचे हुए थे तो हमने कहा चलो इन्हें भी भून लेते हैं चाय के साथ में खाने के लिए। और ये बन गई हमारी शाम की चाय। फिर उसके बाद में ये हमने जो है इसको बस फेंट दिया थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए ही इसको चम्मच से फेंटा और बहुत अच्छे से इसमें से निकल आया मक्खन। जब तक हमने चाय पी ना तब तक ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा था थोड़ा सा गर्म हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर इसको जो है अच्छे से इधर उधर घुमा लेंगे, क्योंकि इसमें ना मलाई होती है तो फिर वो जलने लगती है, तो अगर अच्छे से ऐसे कर लेंगे तो फिर ये मक्खन एकदम बढ़िया हो जाएगा। फिर इसका घी बना लेंगे।